हेलो एंड वेलकम टू माय शो बॉबी द मैटिनी आइडल। दोस्तों आज हम बातें करेंगे सलमान्स फेस्टिवल फ्लॉप्स, मतलब सलमान खान की फेस्टिवल कितनी सारी फिल्में सुपर डिजास्टर हो गई है। मतलब लोग बोलते हैं कि फ्लॉप तो सब हीरो की होती है, लेकिन आई थिंक इज द ओनली एक्टर इन बॉलीवुड जिसकी धड़ाधड़ 5 से 7 फिल्में फेस्टिवल सीजन में डिजास्टर हो गई है, फ्लॉप हो गई है। दोस्तों उसकी मैंने छोटी सी लिस्ट भी बनाई है। जैसे 2017 में ट्यूबलाइट आई थी, ईद के दिन आई थी, जो पहले दिन फ्यूज़ हो गई थी, मतलब जीरो का बल्ब साबित हुई थी ट्यूबलाइट। कबीर खान ने फिल्म बनाई थी, डिजास्टर हो गई थी दोस्तों 2017 में। 2018 में रेस 3 आई थी, रेमो डिसूजा ने बनाई थी, जो रेस 3 मतलब अगर देश में अकेले भागे तो भी लास्ट आई थी वो फिल्म, ऐसी हो गई थी। ईद रिलीज हुई थी, वो भी सुपर फ्लॉप थी। उसके बाद आई थी भरत, वो भी ईद पर आई थी 2019 में भरत, लेकिन उसे थोड़ा ओके बिजनेस किया था भरत ने, बट इज अ वेरी एक्सपेंसिव फिल्म, तो वो भी फ्लॉप साबित हुई, वो भी ईद के दिन रिलीज हुई थी। उसके बाद दबंग 3 2019 में आई थी, दबंग 3 या क्रिसमस के दिन, 16 रिलीज, फ्लॉप, सुपर फ्लॉप हो गई थी। उसके बाद राधे OTT पे आई, वो भी ईद के दिन ही आई थी राधे 2021 को, वो भी फ्लॉप हो गई। उसके बाद अंतिम आई थी, अंतिम बहुत नॉर्मल रिलीज, मतलब वो फेस्टिवल सीजन नहीं था, दिवाली खत्म होने के बाद आई थी, लेकिन चलो वो भी फिल्म फ्लॉप हो गई थी। फिर किसी का भाई किसी की जान, जो भी 2023 में आई, वो भी ईद के दिन आई, वो भी डिजास्टर साबित हुई दोस्तों। तो मतलब कुछ पांच फिल्में ईद पर रिलीज़ हुई, एक क्रिसमस पर रिलीज़ हुई, यानी कि 6 फिल्में फेस्टिवल सीजन पर रिलीज़ हुई और 6 की 6 फिल्में सुपर फ्लॉप, मतलब उसमें 3-4 तो डिजास्टर और एक नॉर्मल रिलीज़ हुई थी अंतिम, वो भी सुपर फ्लॉप हो गई। मतलब 7 फिल्में फ्लॉप हुई लाइन से, और लोग बोलते हैं दूसरे एक्टर लोग कि करियर ख़त्म हो गया। अरे वो तो अक्षय को तो नॉर्मल फ्राइडे को रिलीज़ करता है फिल्म, एक आध फिल्म दिवाली में आ गई रहेगी, तो इतनी सारी फिल्में सोलो रिलीज और सुपर डिजास्टर फिल्में हो गई है। उसे 5 तो फिल्म ईद पर रिलीज थी, ईद का स्पेलिंग क्या है, EID, और यहाँ से स्पेल कर दो DIE, डाई, यानी कि सलमान का कैरियर इज डाइंग, जिससे कि फिल्में आ रही है, इस कैरियर इज गोइंग टू डाई, EID, और यहाँ से पढ़ दो DIE, डाई, तो कैरियर इज गोइंग टू डाई, जिस तरह फिल्में कर रहे हो, जिस तरह डायरेक्टर के साथ फिल्में कर रहे हैं, फरहाद समझी और भाई कुछ लल्लू पंजू डायरेक्टर के साथ जो काम करते हो, उनको फिल्म बनाने का ABCD नॉलेज नहीं है। और कबीर खान को वो बहुत बड़े डायरेक्टर समझते हैं, अरे कबीर खान ने कौन सा बड़ा पहाड़ तोड़ दिया है बताओ मेरे को, एक फिल्म बनाई बजरंगी भाईजान, दैट इज़ नॉट कबीर खान, दैट इज़ द जीनियस स्टोरी टेलर विजेंद्र प्रसाद जी, SS राजामौली जी, उनका सब राइटिंग था, इसीलिए वो फिल्म सुपर हिट हुई दोस्तों। उसमें कबीर खान का कुछ खास वो नहीं था, द राइटिंग वॉज वेरी पावरफुल ऑफ बजरंगी भाईजान। तो इतनी सारी फिल्में फेस्टिवल सीजन में फ्लॉप हुई, तो ही आई एम 100% श्योर इज द ओनली एक्टर इन बॉलीवुड जिनकी इतनी सारी फिल्में फेस्टिवल सीजन पे सोलो रिलीज, पूरा मैदान साफ, उसके बावजूद फ्लॉप, डिजास्टर हुई है फिल्में। तो ये दूसरे एक्टर को ब्लेम मत कीजिए, ये सब ऐसा दौर सब में आता है, लेकिन ये दौर सिर्फ सलमान खान के करियर में आया कि फेस्टिवल पर फ्लॉप फिल्में देने का रिकॉर्ड ज़बरदस्त कायम किया है। उनका एक ये है कि मैं 100 करोड़ मारूंगा, 100 करोड़ मार के कुछ फ़ायदा नहीं, यो 100 करोड़ में के क्या फ़ायदा, द फिल्म इज स्टिल इन द लॉस, वेज ऑफ द लैंडिंग कॉस्ट ऑफ द फिल्म इज टू हाई, तो 100 करोड़ मार के कुछ फ़ायदा नहीं होता उसका। सो जो कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि मैं खान एटर हूँ, अरे मैं कोई खान एटर नहीं हूँ दोस्तों। आप मेरा पुराना वीडियो देखे, सलमान खान का मैंने प्यार किया का वीडियो देखे, वो फिल्म 4 थिएटर में रिलीज हुई थी, वो फिल्म भी मैंने देखी थी, 3 शो में, किसी रेगुलर शोज में लगी, 3 थिएटर में, और मेट्रो में मैटनी शोज में लगी थी, मैंने प्यार किया, और बीवी तो ऐसे भी मैंने मराठा मंदिर में देखी थी, उनकी पहली पिक्चर। तो आई एम नॉट आमिर खान की फिल्म कयामत से, वो मैंने बहुत बाद में देखी थी, तो कयामत से कुछ बस नहीं था उसमें, उस धर्म जी की फिल्म में जलजला लगी थी, उसका बहुत क्रेज़ था उस वक्त, तो फिर मैंने 3-4 हफ्ते बाद देखी थी कयामत से कयामत तक। शाहरुख खान की दीवारें मैंने फर्स्ट डे बैनर टॉकीज़ में देखी थी बैंड्रा, तो उनकी आप देखो बहुत सारी फिल्में की शुरुआत की वीडियोज़ देखो, मैंने बहुत तारीफ की खान की, बिकॉज दैट वॉज द फिल्म दे जो आ रही थी, दे वो वेरी गुड फिल्म्स, नाउ द फिल्म व्हाट दे आर डूइंग और कचरा फिल्म दे आर डूइंग, लाइक लाल सिंह चड्ढा, कभी एंड जीरो एंड व्हाट इज ऑल दिस, किसी का भाई किसी की जान एंड ऑल ट्यूबलाइट एंड क्या क्या, वो सब
So this was my views, my knowledge for Salman's Festival Flops. I'm sure he's the only hero who has given so many flops in a festival season. Solo release. मतलब तो दो हफ्ते पहले भी कोई फिल्म नहीं, चार हफ्ते बाद भी कोई फिल्म नहीं, उसके बावजूद फिल्म नहीं चली दोस्तों. ये एक्चुअली बहुत बड़ा गंभीर रिकॉर्ड है. देखते ये रिकॉर्ड कौन तोड़ता है. तीन दिन की पहुंचिंग में चले बॉबी द मैक नेल्सो, आई सिंग गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल.